पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हम यहाँ गगननाथ की आवाम तंग आ चुकी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, क्योंकि रोड के बगैर आवाम मर रही है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 1947 से लेकर आज तक इस गांव का रोड जो बना नहीं है, अगर चाहे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि लोगों को बुनियादी सहूलियत फ्राहम की जाती है। आए जानेंगे हम यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से। अभी तक हम ईद के लिए घर आ रहे हैं, इससे पहले भी इस वक्त भी आपने देखा हमारे साथ ये सामान लेकर कोई काम से आया श्रीनगर से, कोई जम्मू से आया, कोई उधमपुर से आया, अभी लेवरा से लेकर यहाँ घर तक इनको सामान ये उठाना पड़ा, हेडलोड खुद करना पड़ा। अगर घोड़ों पे हेडलोड भी करते हैं तो 250-300 रुपये हमारे को क्विंटल का कैरेज लगती हैं, और हमारी डिलीवरी का मसला भी ऐसा ही होता है, जब यहाँ से हम चारपाई पर लेकर तब तक वो दाम तोड़ देते हैं और आना पड़ता है कि गगननाथ उसको दफनाना है। इस वक्त हमें 1.5-2 घंटे लगे हैं, 4 किलोमीटर सफ़र है। जनाब हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मुश्किल को आसान करें। हमारे जो मांग है इस लेवरा टू गगननाथ, ये हमारे पौधे बच्चे खत्म, इनको हेड लोड से इनके दिमाग, इनके जो खून के कतरे ये खत्म हो चुके हैं, हम भी मरने के करीब बन गए हैं। जनाब किसी वक्त से ही हम हमारे बुजुर्ग कान को भी पता नहीं लगा आज तक ये क्या चीजें होते हैं। मांग डीसी साहब को हम कर रहा जी, ये हमारे रोड गिरफ्तार रहा, दफ्तर में रहा, और इसके तरफ हम बहुत अनपढ़े हैं। यहाँ कहने वाला, यहाँ बताने वाला, यहाँ कोई आदमी आगे निकलने वाला, उतना बोलचाल करने वाला न कोई होगा। जिला वाली हर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मांगते हम रोड, ये हमारा कागज इस वक्त हर दफ्तर में इसको सुनवाई होनी चाहिए। चार बंदे घर से लेने पड़ते हैं और बारी बारी उठा के हमको घर में पहुंचाना पड़ता है, और हमें खुदा न खास अगर रेता लाना पड़ेगा और वायर लाना पड़ेगा या ईंटें लाने पड़ेंगे, और ईंटें लाने में भी हमें सर यहाँ पे अगर 30,000 में गाड़ी पड़ेगी हमारे लेवर में, वो घर में हमें 60,000 पड़ती है, और 30,000 रुपये हमारे जो है क्रेज चढ़ते हैं। यहाँ से हम यही करेंगे सर कि हमें रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जो लेवरा से गगननाथ रोड है इसका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस वक्त हम जो नीचे लेवरा से गगननाथ टॉप तक आए तो हमारे कंधों पर जो बोझ पड़ा है कम से कम 40 से ऊपर, कम से कम इसका वेट जो है 40 से ऊपर ही है, और पसीना पसीना हो गया है। ऐसे ही मसला होता है हमारे नौजवान नस्ल, हमारे बुजुर्ग माएँ हैं जो बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद जब हम अपने कंधों पर उनको इधर से उठाकर नीचे लेवरा तक पहुंचाते हैं तो वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठते हैं। इसलिए क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं वो इस गरीब आवाम के ऊपर भी ध्यान दे, खास तवज्जो रखे, क्योंकि ये गरीब आवाम है, इनको उतना खास, यहाँ के बुजुर्ग बेचारे जो बुजुर्ग हैं इनको पहले से 1947 से लेकर आज तक यहाँ पर न कोई आया, क्योंकि हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमें फवक्तन याद रखते हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं।